एग्जाम के वक्त ऐसा क्या चक्कर वक्कर चलाएं कि एकदम से नंबरों की बरसात हो जाए तो अगर वो दोनों वीडियोस तुम्हें चाहिए तो नीचे मेरे को यस लिख देना ठीक है है यस के आगे एक लाल वाला जो दिल होता है वो लगा देना अपने भाई के लिए सारे कमेंट्स को हार्ट मिलेगा जो भी ऐसा करेगा एक क्वेश्चन पे रुक गए कि भाई मैंने तो शुरू कर दिया मेरे को पांच मिनट हो गए लेकिन अब तो मैं बीच में हूं तो अब तो मैं इसे सॉल्व करके रहूंगा ये वाली जो ईगो है ना ये बच्चों को भाई डिस्ट्रॉय करती है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट Delhi टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी जिसे प्यार से हम कहते हैं डी टी यू तो आज वाली वीडियो होने वाली है टू मंथ्स रुको चार हो गए चार हो गए दो बीविया हैं और आठ बच्चे हैं टू मंथ स्ट्रैटेजी के बारे में ठीक है तो टू वन स्ट्रैटेजी अपना सितंबर में आ रहा है जेई और मैंने भाई इस वीडियो के लिए हेल्प ली है एक मेरा फ्रेंड है आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस में दीपांशु उससे और जो दूसरा फ्रेंड है मेरा वो है डीटीयू की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ताज सप्रा तो उन दोनों ने काफी ज्यादा भाई बात-बात करके मेरे को इस वीडियो के बारे में पूरी हेल्प करिए स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करिए जो तुम बच्चों को इन दी एंड फायदा देगी वीडियो को पूरा देख लेना क्योंकि जब तुम आगे वीडियो को देखोगे तो तुम्हारे लिए काफी बढ़िया सी चीज बनाई है एक दिन मेहनत करके मतलब पूरी रात लग के तो उसे देखने के लिए भाई रहना वीडियो को लाइक कर दो कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो एट याश जीज मेरा हैंडल है -e -e वाई ए एस एच जी डबल वहां पर मैसेज कर सकते हो हर एक डाउट का आंसर होता है कॉलेज में जाना है टॉप आई में टॉप एन में तो भाई उसके लिए कॉलेज रिव्यूज करता हूं अपने चैनल पे सारे टॉप कॉलेज रिव्यूज तुम्हें आई टी बॉम्बे डेली मद्रास कानपुर खड़गपुर सारे मिल जाएंगे लिंक मिलेगा प्ले का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी के साथ मंथ पे ये वाली वीडियो हम शुरू करते हैं तो यार अगर तुम्हारे ऑलरेडी जेई मेंस के मॉक टेस्ट में या जनवरी वाला जो जेई मेंस है उसमें आए थे भाई ग्रेटर देन हंड्रेड मार्क्स ठीक है 300 में से तुम्हारे ग्रेटर देन 100 मार्क्स आए थे तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि इन 100 मार्क्स को हम बूस्ट अप कर सकते हैं ठीक है, है? स्ट्रेटजी से जो आईआईटी वाले बच्चों ने मेरे को बताई है और उसके बाद इसको हम लेके जा सकते हैं अराउंड 180 से 200 180 से 200 पे क्या जादू होता है जादू ये होता है यार 180 से 200 पे कि तुम्हारे अगर तुम जैसे दिल्ली की बात करूं तो डीटू और एनएसआईटी ठीक है ये इसके अलावा टॉप के ट्रिपल आई को छोड़ दो अगर तुम हैदराबाद वगैरह को उसके अलावा जो बाकी कॉलेजेस हैं जैसे होम स्टेट के एनआईटीस होते हैं हर मतलब जो भी होम स्टेट है वहाँ पे एनआईटीज हैं तो उनका अपना कट ऑफ होता है कोटा वगैरह होता है तो वो सब तुम्हारे ऑप्शन जो है वो खुल जाते हैं और इसका मतलब क्या है भाई इन कॉलेजेस में आने का एक काफी बढ़िया सा पैकेज ठीक है इसके साथ और भी बात करें आईज तो जो है यार, वो भी खुल जाते हैं। होते हैं क्या होता है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जैसे कि पैक है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पंजाब में तो ये सारे ऑप्शन यार तुम्हारे लिए खुल जाते हैं अब यहां से यहां कैसे जाए इस के लिए हमने क्या किया यार एक चेकलिस्ट बनाई है मैंने ठीक है पूरा सुंदर सा कलर वाल यूज करके उससे काफी ज्यादा फायदा होगा तुम्हें उसमें मैंने वो चैप्टर्स लिखे हैं जिनकी वेटेज काफी ज्यादा है और उनको करने में सबसे ज्यादा भाई कम टाइम लगता है ठीक है तो जो लोग भाई यहाँ पे अटके हुए हैं ना यहाँ से यहाँ पे जाना है तो ये चीज तुम्हें काफी ज्यादा काम आएगी उसका जो पीडीएफ है वो तुम्हें मिल जाएगा बढ़िया सा अभी एक बार जल्दी से उसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा ठीक है तुम्हारे साथ और सारी कंफ्यूजन वगैरह क्लियर करेंगे तो आ जाओ यार जल्दी से चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ तो अब केमिस्ट्री में पूछोगे तुम क्या करना है तो भाई देखो केमिस्ट्री में मैं एक बुक का नाम बता रहा हूँ कोई नहीं बताता है मेरे को पता है मैं बताता हूँ मैंने उससे किया था सिक्सटी से सेवेंटी परसेंट पेपर निकल जाता है बुक का नाम लिख लो भाई पेन पेपर पे लिखो हाँ तो बुक का नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसके नाम से आती है ये वाली बुक अब तुम पूछोगे कहाँ मिलेगी अलमारी के पास जाओ अपनी ठीक है एनसीआर की बुक मिलेगी तुम्हें केमिस्ट्री की दो भागों में आती है इलेवेंथ की ट्वेल्थ की उस किताब को निकाल के भाई पढ़ लो दीमक खा रही है वो किताब एनसीईआरटी से आती है मेरे भाई अरे पागल हो गया क्या नहीं <laughs> जेई में भाई केमिस्ट्री में तुम्हें मचा के रखना है तो यार एनसीईआरटी कर लो यही मेरी कामना है बस मेरे को पता है यार बहुत ज्यादा प्रेशर है जेई का इसलिए यार मैं मतलब कुछ चाहता था कुछ हो जाए बढ़िया सा मेरे प्रेपरेशन के टाइम पे भी बहुत था एनसीआर वगैरह कर तो रहा था लेकिन ऐसा लगता है कुछ हो नहीं रहा तो एक दिन भाई इंस्टाग्राम ऐसे स्क्रोल व्रोल कर रहा हूँ तो मेरे को पता चलता है यार जेही कारनॉट के बारे में जेही कारनॉट का मैंने यार बात बात करी ठीक है उनके जो फाउंडर है आई के हैं वो तो उनसे बात करी तो मेरे को पता चला कि ये लोग क्या कर रहे हैं यार कि एक आई का बंदा तुम्हें मिल जाता है पूरी जेई तक तो उससे क्या है भाई वो आईआईटी में तो भाई को सब कुछ पता ही है कैसे वो गया कैसे प्रेपरेशन करनी है तो उससे तुम भाई कर सकते हो अपनी कॉल पे बातें लंबी लंबी और वो तुम्हें सारी चीजें बताएंगे कि भाई आज तुम्हें यहाँ से यहाँ का सिलेबस खत्म करना है ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है कहीं भी भाई थोड़ी मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं कुछ दिक्कत हो रही है परेशान हो रहे हो तो कभी भी यार उनसे कॉल लगा के तुम बात कर सकते हो तो मैंने पूछा भैया आप बताओ आप हमारे सब्सक्राइबर के लिए क्या कर सकते हो रजिस्टर तो सारे बच्चे करेंगे मेरे को भरोसा है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उनकी वेबसाइट पर जाके रजिस्टर कर दो तो मैंने कहा आप ये बताओ मेरे सब्सक्राइबर्स को क्या दोगे तो यार मैंने उनसे बात करी और तुम सबके लिए यार मैंने अरेंज कराई है एक कॉल पर्सनलाइज्ड कॉल ठीक है जो भी रजिस्टर करेगा नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन हो तो यार मैं ये जरूर के नीचे रजिस्टर कर दो, फ्री रजिस्ट्रेशन है कोई चार्जेस नहीं है तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए अरेंज करा दिया एक आई से पर्सनलाइज कॉल अब चलते हैं भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ जो तुम्हें सबसे पहले करने पड़ेंगे एनसीआरटी से तो वो टॉपिक्स है सबसे पहले आता है मोल कंसेप्ट चोसोमेट्री तुम्हें पता

तो इनके काफी ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं तो इफेक्ट्स आइसोमेरिज्म और रेजोनेंस का टॉपिक है जो बेंजीन रिंग्स वगैरह में होती है ना ऐसे ऐसे तो इन सारी चीजों को यार तुम देख लेना एक बार इसके बाद आ जाता है यार एक टॉपिक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री फ्री के नंबर है भाई लूट लो अगर तुम कहोगे तो इसके मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा अपने जेई के टाइम के काफी बढ़िया बना रखे हैं तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री डन इसके बाद यार बात करते हैं ट्वेल्थ क्लास की तो आता है हमारे पास सॉलिड स्टेट सोल्यूशन केमिकल काइनेटिक्स कालेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर्फिस केमिस्ट्री ये वाले जो चैप्टर्स हैं यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर साल एक क्वेश्चन तो समझो आता ही है और इसके लिए भाई तुम्हें कुछ नहीं करना यार अपनी वही केमिस्ट्री की एनसीआरटी तुम्हें करनी है बैक क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेना ठीक है कई बार ऐसा भी हुआ है कि सीधा भाई बैक एक्सरसाइज से पूछ लिया तो पूछ लिया तो भाई मजे ही आ जाएंगे तो ये वाले टॉपिक्स हो गए इसके बाद आ जाते हैं यार आगे केमिस्ट्री केमिस्ट्री पे में तुम्हें क्या करना है फॉर्मूला जो होते हैं ठीक है जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो और आइसोमेरिज्म देख लेना इंपॉर्टेंट होते हैं फिर मेटोलॉजी पॉलिमर बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ठीक है भाई ज्यादा ईगो पे नहीं लेना है मैं तुम्हें बताता हूँ सिंपल सी चीज जेई में तुम्हें ना यार ईगो पे नहीं लेनी चीज ये जो शब्द है ना रुको व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं ये जो शब्द है बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ईगो कि एक क्वेश्चन पे रुक गए कि भाई मैंने तो शुरू कर दिया मेरे को पांच मिनट हो गए लेकिन अब तो मैं बीच में हूं तो अब तो मैं इसे सॉल्व करके रहूंगा ये वाली जो ईगो है ना ये बच्चों को भाई डिस्ट्रॉय करती है ठीक है वो नहीं हो रहा अपनी ईगो को फेंको नीचे धज्जियां उड़ा दो ईगो की और आगे बढ़ो भाई ठीक है तो ये ये काफी ज्यादा दिक्कत है कि मैं तो मुश्किल वाले टॉपिक करूंगा रोटेशन का क्वेश्चन है मैंने तो पढ़ी थी मैं तो करूंगा पेपर में तो यार ये बड़ी गंदी मेंटालिटी है ठीक है इन दी एंड इट इज अबाउट स्कोरिंग तुम्हें अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है ठीक है कोई नहीं पूछ रहा तुमसे रिजल्ट वाले दिन ये नहीं पूछेगा कि तू भाई रोटेशन का क्वेश्चन किया था तूने तो तू तो भाई बादशाह ऐसा नहीं है नंबर वहां से निकालो जहां से निकल सकते हैं आसानी से इसलिए मैं कह रहा हूं ये सारे चैप्टर्स ठीक है करने हैं तुम्हें पॉलिमर्स बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पीरियोडिक एलिमेंट्स अगेन क्लास इलेवेंथ का चैप्टर तो काफी ज्यादा इजी इसके बाद आ जाते हैं ऑर्गेनिक पे जो ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक है तो उसमें हालो हालो में क्या? बहुत दो दो क्वेश्चन एक पेपर में भी देखे हुए इसके अलावा क्या करना है यार तुम्हें ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन करना है ठीक है सैंडमेर वगैरह रिएक्शन पढ़े हैं ना तुमने वो सारे रिएक्शन करने और उसके अलावा एनसीआरटी को पढ़ लेना यार बोर्ड के वक्त तुमने पढ़ी एनसीआरटी मेरे को पता है लेकिन एक बार फिर से पूरी पढ़ लेना ताकि ता तुम्हें भाई मतलब पता हो कि ये ये रिएक्शन आएंगे इससे ये ये होता है बहुत कम चांसेस हैं कि उससे तुम जेई में ऑर्गेनिक का क्वेश्चन निकाल पाओ पूरा लेकिन भाई तुम्हें पता होगा कैसे चीजें जा रही है और अगर तुम फिर कुछ भी चीज अप्लाई कर रहे हो ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह तो अगर तुम्हें रियाक्शन आते हैं तो वो चीजें हो जाती है आसान तुम्हारे लिए इसके अलावा एक चीज और याद आ रही है जो टेस्ट होते हैं ना भाई बहुत सारे तुमने देखा होगा ये होते हैं टॉलेंस टेस्ट होता है इसके अलावा फेलिंग्स टेस्ट होता है फिर जो वो होते हैं कि डिफरेंशियट कैसे करो बोर्ड में भी आते हैं क्वेश्चन बोर्ड में आते नहीं है कि टॉल इन फेलिंग वगैरह होता है कि मतलब फिनॉल और अल्कोहल में कैसे डिफरेंशिएट करोगे वो वाली चीज है तो उनको भी यार एक बार जरूर देख लेना ठीक है ये हो गया अपना केमिस्ट्री हमारे भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहते थे ये वाली किताबें कर लो भाई चार केमिस्ट्री की ठीक है ये ब्रह्मास्त्र है एनसीआर टी इज बाइबल ठीक है तो बिल्कुल पूजा टाइप करो और इस किताबों को भाई बिल्कुल रट के रख लो अच्छे से तुम्हारी केमिस्ट्री काफी ज्यादा सॉर्टेड हो जाएगी मेरे को पता है भाई सत्तर से पिछहत्तर नंबर कहीं नहीं जा रहे तुम्हारे सौ में से अगर तुम इन जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं ये सब को ढंग से कर लेते हो भाई और वहां पे जाके अटेम्प्ट मारते हो एकदम बढ़िया सा अब चलते हैं आगे याद जल्दी से क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स पे मेरे को पता है फिजिक्स से सबसे ज्यादा डर लगता है बच्चों को तो इसमें मैंने टॉपिक चेकलिस्ट में तुम्हें पता है सबसे पहले आएगा मॉडर्न फिजिक्स हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर यार हर साल मतलब तीन से चार से पांच क्वेश्चंस भी देखे गए हैं मॉडर्न फिजिक्स के इसके बाद यार अब देखेंगे वो चैप्टर जिससे तुम आराम से, तो से नंबर खींच के निकालने वाले हो तो वो चैप्टर है यूनिट डायमेंशन एंड वैक्टर जिससे आ जाता है क्वेश्चन ग्राविटेशन है वेव्स है हीट एंड थर्मोडाने थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर लेकिन अगर भाई तुमने एनसीआर पढ़ी हुई है ढंग से करा हुआ है बोर्ड्स के टाइम पे तो आसान रहता है इसके अलावा यार हमारे पास वेव ऑप्टिक्स ठीक है रे ऑप्टिक्स यार बहुत ज्यादा लेंदी है इसलिए मैंने हटा दिया है यहाँ से रे ऑप्टिक्स तुम छोड़ सकते हो जो तुम्हें फॉर्मूला वगैरह याद है मिरलर फॉर्मूला वगैरह उससे अगर कुछ हो जाए तो देख लेना लेकिन वेव ऑप्टिक्स को यार ढंग से करना है ठीक है इसके बाद आता है यार करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी भी यार काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो एनसीईआरटी के चैप्टर एंड टू है ना मतलब पोटेंशियल कैपेसिटेंस वाले भी और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाले भी दोनों चैप्टर को कर लेना यार ठीक है करने को कह आगे नहीं कह रहा मैं ठीक है तुम पूछोगे कहां से करना है एनसीआर कर लो भाई बहुत ज्यादा हो जाता है ठीक है अगर तुमने ढंग से एनसीआर में जो ब्लू बॉक्स बने होते हैं तुमने देखा होगा केमिस्ट्री में फिजिक्स में फिजिक्स उन सबको भी भी कर लो यार तो उससे भी निकल जाते हैं एनसीआर से बनता है बहुत ज्यादा पेपर इसके बाद आ जाते हैं यार ई एम वेव पे और कम्युनिकेशन सिस्टम पे तो ई एम वेव तुम्हें पता यार आसान चैप्टर है यू वी आई आर जो होता है उसका भाई मैंने ऐसे याद किया था देखो एक्स यू वी ठीक है गाड़ी होती है आई आर एक्स यूवी आई आर तो इस ऑर्डर में जाती है इसके बाद शायद माइक्रोवेव होती है फिर रेडियो वेव होती है जहां तक मेरे को याद आ रहा है तो मैंने इस तरीके से यार याद किया था तो ये ई एम वो वाला चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम uh, हो गया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स तुम कर लेना रे ऑप्टिक्स वैसे छोड़ा लेकिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के भाई फॉर्मुला वगैरह जो होते हैं वो देख लेना इसके अलावा के यार काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस काफी प्यारा चैप्टर छोटा सा फ्रीडम वगैरह जो होती है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम तो वो सब तुम देख लेना तो ये हो जाते हैं यार हमारी फिजिक्स की मैंने छोटी रखी है चेकलिस्ट सारे जो नंबर हैं यहां से निकालेंगे ठीक है केमिस्ट्री से निकालेंगे नंबर स्कोर करना है अपने को ये वाला जो स्कोर है सौ से एक सौ अस्सी पे लेके जाना है नंबर निकालेंगे मैक्सिमम केमिस्ट्री से ठीक है उसके बाद ये फिजिक्स के ये वाले टॉपिक्स कर लेंगे चालीस से पचास नंबर बन जाएंगे इसके अलावा भी करना है भाई ये नहीं है कि यही करके चले जाओ मेरा मतलब है बाकी सबको पढ़ लो बस लेकिन इन पे भाई पूरी जान लगा देने कि इसका क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए इस तरीके से इन चैप्टर्स को हमें कर लेना है यहाँ पे मैंने भाई एक टिप लिखी है तुम लोगों के लिए कि फोकस मोर ऑन क्लास ट्वेल्व टॉपिक्स क्योंकि तुमने उसे यार बहुत रिसेंटली स्टडी किया है ट्वेल्थ के चैप्टर्स को और इनकी वेटेज भी जनरली हायर रहती है जनरली यार सिक्सटी फोर्टी का रेशियो देखा गया कि ट्वेल्थ से सिक्सटी परसेंट आते हैं और इलेवन से फोर्टी फिफ्टी फाइव फोर्टी फाइव भी हो जाता है कभी कभी लेकिन हमेशा यार ट्वेल्थ से ही ज्यादा आता है और ट्वेल्थ तुमने अभी अभी बोर्ड में भाई मचा के आए हो तुम तो ठीक है ये चीज ध्यान रखना थोड़ी सी क्लास ट्वेल्थ के टॉपिक्स पे तुम्हें ज्यादा ध्यान देना होगा इसके बाद इसमें एक कैटेगरी बनाई है मैंने कि सम किलर चैप्टर्स विच यू शुड अवॉइड ड्यू टू टाइम लेस देन पचास दिन बचे हैं भाई ठीक है आ ही गया है बस मतलब अब तो, तो क्या है ये जो किलर चैप्टर्स हैं ये तुम छोड़ सकते हो ठीक है बिल्कुल छोड़ दो मार्क स्कोर करना है ईगो पे नहीं लेना ये वो चैप्टर है कि ईगो पे ले लिए तो दिक्कत आ जाएगी रोटेशनल मोशन पहला चैप्टर ठीक है बहुत डिफिकल्ट लगता है अगर अभी कब तक कर लिया है तुमने तो कर लो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर अभी तक नहीं किया तो अब लेके नहीं बैठोगे कि मैं निकालूंगा रोटेशन का क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया दो क्वेश्चन फर्क नहीं पड़ता छोड़ना है क्योंकि बहुत हाई चांसेस होते हैं कि बच्चे नहीं निकाल पाते हैं रोटेशन का क्वेश्चन मेंस में भी और एडवांस में भी इसके बाद वर्क एंड एनर्जी काफी ज्यादा मुश्किल चैप्टर है यार ठीक है तो उसको भी तुम छोड़ सकते हो मैकेनिक्स में और तीसरा मैंने बता दिया रे ऑप्टिक्स क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट है यार ये चैप्टर तो इन तीन चैप्टर से भाई तुम्हें थोड़ा सा बच के रहना इन तीन चैप्टर्स को हटा दो इतने सारे कहो, कहे हैं भाई मैंने ये वाले करो ना पहले पहले ये वाले चैप्टर करने फिर इसके अलावा जो बच गए हैं चैप्टर जैसे मैकेनिक्स के हैं बहुत सारे वन डी टू डी वो सब करो और उसके बाद भी भाई अगर टाइम बच गया किसी तरीके से तो इन पे कूदना है लेकिन मैं कहूंगा कि इन चैप्टर्स को छोड़ दो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला अब आगे चलते हैं यार मैथमेटिक्स पे तो पहले से ही टिप दे रहा हूँ डोंट स्ट्रेस आउट ठीक है मैथमेटिक्स में भाई मैंने देखा है कि बच्चों की भाई ऐसे बिल्कुल पता नहीं क्या होने लग जाता है कि मुश्किल आएगा मेरे डोंट स्ट्रेस आउट जितना आराम से हो जाए भाई उतना करना है यू आर गोना डू वेल ठीक है तो सिंपल सी एडवाइस है ठीक है जो भी होगा अच्छा होगा सबसे ज्यादा स्कोर निकाल रहे होंगे यार हम केमिस्ट्री से अपना मेजर स्कोर उसके अलावा फिर उसके बाद फिजिक्स और मैथ्स में देख लेना जो तुम्हारा स्कोर ज्यादा से ज्यादा निकल सकता है जिसमें तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो वो करना है तुम्हें तो यार देखो मैथमेटिक्स कैन भी डिफिकल्ट सो वी आर सेटिंग अ टारगेट ऑफ ओनली चालीस से पचास मार्क्स वील कवर अप विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ठीक है तो तीन सौ में से भाई सिर्फ चालीस से पचास नंबर एक्सपेक्ट करेंगे हम मैथ्स से ठीक है क्योंकि मुश्किल होता है जनरली तुम्हें लगेगा तुमने टॉपिक कर लिया ले, लेकिन क्वेश्चन नहीं निकलते हैं यार तो देखो मैंने इसमें वो चैप्टर्स लिखे हैं जो बिल्कुल भाई मक्खन चैप्टर्स हैं भाई मक्खन बिल्कुल आराम से निकलेंगे इनको अगर तुम कर लेते हो ढंग से पहला चैप्टर है स्टेटिस्टिक्स और फिर दूसरा है मैथमेटिकल रीजनिंग काफी भाई बढ़िया चैप्टर मैंने जनवरी वाले जेई मीन तक नहीं किया था लेकिन अप्रैल वाले तक मैंने कर लिया था तो भाई दोनों का क्वेश्चन बड़ा प्यार से बना था भाई तो ये दोनों चैप्टर्स कर लेना इसके अलावा यार कॉडराटिक इक्वेशन अगर निकाल सकते हो इसमें मैं सजेस्ट करूंगा अगर किसी दोस्त से तुम्हें स्टडी मटीरियल मिल जाए कॉडराटिक इक्वेशन का तो उसको रेफर कर लेना इसके बाद यार हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है वैसे

और आगे बढ़ जाना है एक तुम्हें वीडियो चाहिए अगर जेई के फंडों के ऊपर ठीक है जेई नीट प्रेपरेशन से पहले चार पांच टिप्स जो तुम्हें याद रखनी है तो वो भी बन जाएगी और जेई में कैसे भाई तुक्के उकके मारने ठीक है उसके लिए मैं बात कर लूंगा मेरे जो बच्चे भाई आई वगैरह में बैठे हैं दोस्त वगैरह उनसे पूछ के वो मैं बना दूंगा दस बारह चीजें जिससे तुम काफ़ी ज्यादा नंबर निकाल सकते हो टाइप ले लेंगे अलग अलग क्वेश्चन के कि इस क्वेश्चन टाइप को हम कैसे हैंडल करेंगे इसको कैसे करेंगे तो काफी बढ़िया बन जाएगी कॉमेंट में बता दो अगर तुम्हें टिप्स फॉर जेई वाली वीडियो चाहिए और फिर फंडे वाली जो तुम्हें वीडियो है वो चाहिए तो बता देना इसके बाद आगे चलते यार सेट्स एंड रिलेशंस और एंड मैटर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर काफी इजी चैप्टर सेट्स एंड रिलेशन मेरे को पता है इसमें रिलेशन वाला तुम्हें अच्छा नहीं लगता चैप्टर बोर्ड में लेकिन इसमें भाई आसान क्वेश्चन आता है तो कर लेना इसके बाद आता है यार ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और आइडेंटिटीज लर्न करनी है आइडेंटिटी से इन जनरल क्वेश्चन नहीं आता है ज्यादातर ये होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से पूछा गया है लेकिन फिर भी आइडेंटिटीज को तुम लर्न कर लेना और उससे अगर कोई आता है तो तुम यूज कर पाओ ताकि इसके बाद है यार लिमिट्स और डिफरेंशियल कैलकुलस ये मैंने भाई लास्ट में लिखा है कि भाई देखो इसमें क्या है कि जो डिफरेंशियल कैलकुलस है ना यार ठीक है इसको मतलब हम बोलते थे डी सी वन रुको इसको हम बोलते थे डी सी वन और डी सी टू ठीक है दो चैप्टर्स होते थे तो है तो मुश्किल लेकिन अगर तुम इसको पुल ऑफ कर सकते हो ना तो तुम्हारे काफी सही हो जाता है यार क्योंकि दो क्वेश्चन आ जाते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस से तीन भी आ जाते हैं कभी कभी तो डिफरेंशियल कैलकुलस यार इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारे दो तीन क्वेश्चन यहां बन जाते हैं और अगर बाई चांस तुम्हारी फिजिक्स या के केमिस्ट्री में कोई भी गलती होती है तो वो नंबर तुम्हारे यहाँ से निकल जाते हैं इसलिए मैंने इसको रखा है लास्ट में आगे चलते हैं इसके किलर चैप्टर्स की तरफ कि कौन से चैप्टर्स तुम्हारी मौत का कारण बन सकते हैं ड्यू टू टाइम पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर भाई जो बोर्ड का रेवल लेवल है कॉम्प्लेक्स नंबर और जो जेई में आता है उसमें काफी ज्यादा फर्क होता है एनसीआर करके काम नहीं चलने वाला तो छोड़ देना पहले इन चैप्टर्स को परफेक्ट करना उसके बाद जो चैप्टर्स बचे हुए हैं जो मैंने नहीं लिखे हैं यहाँ पे उनको करना है उसके बाद इन पे जाना है इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम बड़ा डर लगता था छोड़ के आया था मैं अभी क्वेश्चन तुम भी हो सके तो छोड़ देना अगर वैल्यू वगैरह डाल के कुछ हो रहा है ऑप्शन एलिमिनेशन से तो अटेम्प्ट कर लेना इसके बाद है यार वेक्टर्स फंक्शंस और इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का जनरली क्वेश्चन देखा नहीं गया यार ठीक है एक आ जाता है कभी कभी मेरे पेपर में नहीं आया था इंटीग्रेशन का लेकिन यार एनसीआरटी लेवल तक कर लेना टू बी सेफ हो सकता है कि उससे हाई लेवल का आ जाए या लो लेवल का आ जाए लो लेवल का आ गया तो फायदा हो गया हाई लेवल का आ गया तो वैसे भी नहीं होना था ठीक है फिर से वही बात आ जाती है यार ये जो शब्द है ना इससे दूर रहना है ईगो पे नहीं लेना कुछ भी चीज है नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं यार इसके बाद यार वेक्टर्स और फंक्शंस फंक्शन फिर से वही कह रहा हूँ भाई यहाँ पे ये वाला जो है रिलेशन जो है वो कर लेना तुम ठीक है सेट्स एंड रिलेशन लेकिन फंक्शन को छोड़ देना इसमें बहुत ज्यादा यार ग्राफ प्लॉटिंग वगैरह के आ जाते हैं ऐसे ऐसे ग्राफ बनते हैं जो तो उन सबसे बचना है अपने को और उसके अलावा सर्कल्स तो सर्कल्स में क्या है यार सर्कल्स काफी ज्यादा वास्ट चैप्टर है बहुत सारे प्रॉब्लम टाइप्स होते हैं तो सर्कल में जनरली यार कौन से क्वेश्चन आते हैं ये आते हैं इक्वेशन बनाने वाले इक्वेशन बनानी होती है तुम्हें उस कम जो सर्कल की लाइंस है ट्रांजेंट है नॉर्मल है उनकी तो उनके लिए क्या करना है भाई तुम्हें तुम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूशन यूज कर सकते हो अगर तुम्हें पॉइंट पता है तो पॉइंट डाल डाल के देख लो वो चीजें लेकिन मैं कहूंगा कि अगर अब तक नहीं किया है सर्कल ढंग से तो भाई अब लेके मत बैठना अब टाइम नहीं है पचास दिन बचे केमिस्ट्री कर लो अपनी फिजिक्स कर लो बचे हुए चैप्टर जो इसमें नहीं लिखे हैं वो कर लो लेकिन ये लेके भाई मत बैठना ठीक है ये इक्वेशन वाला काम तुम्हारा हो जाएगा बढ़िया से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर द की यार मैं बार बार कह रहा हूं ठीक है एनसीआरटी करो कर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने वहां मत बैठ जाना एक्सरसाइज सॉल्व करने और वो जो एनसीआर के बीच में इंटेक्सट क्वेश्चन होते हैं वो सब नहीं करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर द की तुम्हें बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा फॉर्मेट का और जब तुम पूरे मॉक पेपर्स अटैम्प्ट करोगे तो उसके बारे में भी भाई तुम्हें बहुत चीज़ें पता चलती है जो तुम गलतियाँ कर रहे हो यहाँ पे तुम्हें गलतियों पर फोकस करना ये नहीं और भाई मेरे आ गए एक नंबर अब तो जेई में भी फोड़ूंगा ये चीज नहीं करनी ठीक है तुम्हें भाई एनालाइज करना है ढंग से ठीक है कि कहाँ पे मेरी गलती हो रही है जो डेढ़ सौ नंबर कटे हैं उन पे फोकस करोगे तो आगे बढ़ोगे डेढ़ सौ नंबर जो आ रहे हैं उस पे खुश होते रहोगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला तो यार ये चेकलिस्ट यार तुम यूज कर सकते हो ठीक है इस पर टिक मारते जाना जो जो चैप्टर्स तुमने ऑलरेडी कर लिया है उससे तुम्हें भाई एक बढ़िया सी फीलिंग आएगी प्रिंटर है तो प्रिंट करके रख लेना और टिक मारते जाना नहीं तो यार अपने फोन में रख लो व्हाट्सएप वगैरह पे कहीं भी डाल दो अपने क्लास के ग्रुप्स पे डाल दो ठीक है उससे क्या होगा और बच्चे भी यूज कर लेंगे और तुम उस पर अपनी जो प्रोग्रेस है यार उसको ट्रैक कर सकते हो इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए खुद बनाई है हाथ से लिखा था यार ये सब मैंने पूरा तो थोड़ी भाई ये भी लगेगा कि हाँ यश भैया देख रहे हैं ठीक है तो यार इसके बाद जेई कारनोट के लिए एक मीटिंग रखवाई है मैंने उसका भी लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा गूगल मीट का उसमें जो भी फाउंडर्स है आईआईटी के वो तुम्हें टिप्स दे रहे होंगे जेई के ऊपर तो उसको ज्वाइन करना है तो उसका तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इस चेकलिस्ट को डाउनलोड करना है तो कैसे करें इस चेकलिस्ट के लिए क्या करना है नीचे जाओगे मेरा जो लिंक है ना टेलीग्राम का एक मेरा चैनल है उस पर जो भी वीडियो आती है उसका अपडेट आ जाता है या कोई भी नया अपडेट आ रहा है उस टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करना है टेलीग्राम के चैनल पे तुम्हें डली भी मिलेगी ये वाली चेकलिस्ट ठीक है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है भाई इसे ना क्योंकि शेयर करोगे तो भाई क्या होता है बांटने से ज्ञान बढ़ता है उस चीज़ को याद रखेंगे प्यार की बरसात होगी और तुम्हारे भाई जे में यहां से यहां पहुंचेंगे और यहां से तुम कहां पहुंचोगे यहां पहुंच जाओगे यार ठीक है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है इसके बाद आ, और चीज़ें क्या बात करनी थी मेरे को हाँ यार अगर तुम्हें वीडियोस चाहिए जेई के टिप्स के ऊपर की कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह कैसे करना है इन सब चीजों के बारे में तुम्हें जानना है तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और एक वीडियो बनाऊंगा यार मैं जेई के फंडों के ऊपर कि भाई बाप तो हो गई जो प्रिपरेशन होनी थी एग्जाम के वक्त ऐसा क्या चक्कर वक्कर चलाएं कि एकदम से नंबरों की बरसात हो जाए तो अगर वो दोनों वीडियोस तुम्हें चाहिए तो नीचे मेरे को यस लिख देना ठीक है यस के आगे लाल वाला जो दिल होता है वो लगा देना अपने भाई के लिए सारे कॉमेंट्स को हार्ट मिलेगा जो भी ऐसा करेगा तो यार वीडियो पसंद आई तो लाइक करो यार वीडियो को पूरी जान निकल गई तुम्हारे भाई की वीडियो बनाने में इतनी रातें भाई बिना सोए गुजारी हैं इस वीडियो के लिए बात करी भाई दो दो घंटे तक लोगों से ठीक है स्पेशल थैंक्स टू भाई ताज और दीपांशु ठीक है फॉर हेल्पिंग मी आउट इन दिस वीडियो उनका भी भाई मैं इंस्टाग्राम नीचे लिंक कर दूंगा देख लेना बात कर लेना उनसे भी अगर कोई भी दिक्कत हो प्रेपरेशन वगैरह में दीपांशु आई टी डेली में है। और ताज आ, है डी टी यू में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दोनों का इंस्टाग्राम नीचे मिल जाएगा उनसे बात कर लेना कोई भी प्रेपरेशन डाउट हो तो इसके बाद यार मिल रहे होंगे एक और नई वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर देना ताकि जब भी भाई कोई नई वीडियो है तुम्हें सबसे पहले पता चल जाए वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ चेकलिस्ट को भाई व्हाट्सएप के क्लास ग्रुप पे जरूर डालना है आपने ठीक है जो भी तुम्हारे क्लास ग्रुप है सब पे भेज दो व्हाट्सएप वाली जो मैंने चेकलिस्ट बनाई है उस पर एनालाइज करो ये वाले चैप्टर्स जो मैंने बताए ये करो इतने नंबर अपने पहले पक्के करो ठीक है उसके बाद आगे का देखेंगे तो इनको करो जो मैंने किलर चैप्टर बताया वो नहीं करना है और जिंदगी में भाई मचाते रहना है इसी नोट पे खत्म करते हैं यार ये वाली वीडियो पूरी भाई लग जाओ मेहनत में ठीक है जय ही आ रहा है काफी ज्यादा पास पचास दिन बचे हैं मतलब भाई कुछ ऐसा कर जाओ ना कि ये जो दो महीने है ना तुम्हें याद आए कॉलेज में जाने के बाद भी कि वो जो टाइम था ना मेरा जय प्रेपरेशन का उसमें जिस इंटेंसिटी से मैंने पूरा हार्डवर्क किया था आगे कोई भी लाइफ में मेरे को डिफिकल्टी आती है तो मैं उसी लेवल का हार्ड वर्क जो तुम 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई को दे रहे थे वो मैं फिर से दे सकूं इस चीज़ को याद रखेंगे एग्जाम्पल सेट करना है अपने लिए खुद के लिए ठीक है अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं अपने माँ बाप के लिए नहीं खुद के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना है कि हाँ आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस इसी नोट के साथ ये वाली जो वीडियो है यार हम खत्म करते हैं मिल रहे होंगे एक और नई वीडियो में लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना एंड इट्स आउ रैप अप बाय